पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे खजाने की खोज में गोपाल गीता, विक्की, बल्ली और नेहा एक खतरनाक गांव में पहुंचते हैं, जहां अब सिर्फ जले हुए कुछ ज़ॉम्बीज जैसे दिखने वैसे आधे जले लोग रहते हैं। अब आगे, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो पहले आप पिछला एपिसोड सुन लीजिए, ताकि आपको पहले की कहानी पता हो। इस भूतिया गांव में सभी दोस्त एक जगह छुप जाते हैं, तभी देखते हैं कि वो जिस घर में छिपे हैं वहां एक दंपति है जिसके साथ एक छोटी बच्ची है। वो लोग दिखने में बड़े नॉर्मल लग रहे थे। वो कहते हैं कि रात को बाहर मत जाना वरना ज़ॉम्बीज तुम्हें मार देंगे, यही छिप जो। सभी लोगों को लगता है कि यही सही जगह है, तो जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है सभी लोग अचानक से गायब होने लगते हैं। सभी लोग काफी घबराए हुए थे। आगे हम उसी शाम का समय देखते हैं जहां एक तरफ गोपाल और उसके दोस्त यहां ताश खेल रहे होते हैं, जबकि बच्ची को हम बाहर देखते हुए पाते हैं। वो बहुत गौर से दरवाजे के बाहर ताके जा रही थी। वो बच्ची अचानक ही गोपाल के हाथ में मौजूद सभी कार्ड्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे चाल चल के वो जीत सकता है। ऐसा लगता है उसके अंदर शक्तियां आ गई हैं। इससे गोपाल काफी शॉक्ड हो जाता है और उस बच्ची के माता पिता से पूछता है कि उसे इतनी सी उम्र में कार्ड्स खेलना कैसे आता है। तभी ये बच्ची एक शैतानी चेहरे में तब्दील हो जाती है और गोपाल पे अटैक कर देती है। यही नहीं, इस बच्ची के माता पिता भी भूतिया शक्ल में बदल जाते हैं और इन सभी को हंट करने लगते हैं। इस हादसे से गोपाल, बल्ली, बबलू और बाकी सब इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हम गोपाल को देखते हैं जो नेहा को गीता समझकर अपने साथ दूर भगा लाया था। ये दोनों मदद मांगने के लिए इधर उधर भागते हैं। जब इन्हें सामने से एक गाड़ी नजर आती है, नेहा और गोपाल इस कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर को किसी तरह इस गांव से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठने के बावजूद गोपाल को यहां बार बार अजीब आत्माएं नजर आ रही थी। नेहा और उस ड्राइवर को कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गोपाल को भूत नजर आ रहे थे। जब गाड़ी कुछ दूर आगे जाती है तब गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट पे हम सूरज को देख पाते हैं, जो फॉर सम रीजन नेहा के पीछे पीछे यहां तक पहुंचा था। सूरज को देख नेहा गाड़ी से कूद जाती है और गोपाल कुछ भी समझ नहीं पाता। नेहा को ढूंढने के लिए सूरज गोपाल को लेकर उसी घर की तरफ निकलता है जहां से अभी सब भागे थे। दूसरी तरफ हम बल्ली को देखते हैं जिसे गांव में मौजूद एक बूढ़ी औरत की आत्मा हंट करती है, और ऐसा ही बबलू और विक्की के साथ भी हो रहा था। ये सब लोग बार बार गांव से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वापस यहीं पहुंच जाते थे। तब बबलू और विक्की एक स्कूल के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें टीचर की आवाज सुनाई देती है, मानो नाइट क्लास चल रही हो। विक्की और बबलू इनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग इनके मुंह पे ही क्लासरूम का डोर बंद कर देते हैं, मानो इन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। पैरेलली हम गोपाल को देखते हैं जो सूरज और उसके शिष्य यानी ड्राइवर के साथ वापस उस घर तक पहुंचता है। इन्हें यहां नेहा तो नहीं मिलती मगर गीता जरूर मिल जाती है। गीता को देख फॉर सम रीजन सूरज और वो ड्राइवर काफी डर जाते हैं और गीता उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। ऐसे में गोपाल और उसके दोस्त उस औरत से बचकर भागते हैं और उसके बच्चे को भी साथ ले लेते हैं। ये लोग उस आदमी को ही पास के अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। अब रास्ते में एक और दुर्घटना होती है। हम गांव में एक पुलिस वाले को देखते हैं जो पहले वाले पुलिसमैन से डिफरेंट है, और ये पुलिस वाला किसी चोर को चेज कर रहा था। गोपाल और उसकी टीम पुलिस को देख एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और यहां ये इंस्पेक्टर उनकी आंखों के सामने ही उस चोर को गोली मार देता है। इस पुलिस को अब तक इन लोगों की आवाज भी सुनाई दे चुकी थी लेकिन किसी तरह वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। इस सब के बीच उनके साथी पाते हैं कि वो आदमी जो उन्हें मिला था और वो बच्चा जो उनके साथ था दोनों गायब हो चुके हैं। गोपाल और गीता अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने दोस्तों को लेकर गांव के दूसरी तरफ भागते हैं जहां उन्हें आसमान में कुछ पटाखे दिखाई देते हैं। नेहा इस जगह पे ऑलरेडी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था मानो इस जगह पे मेला लगा हुआ है। इस मेले में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था मगर सारी रोशनी, गाना बजाना वगैरह चले जा रहा था। गोपाल यहां एक बच्ची को देखता है जो रो रही थी। जब ये लोग इस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं तब अचानक वो किसी शैतान में बदल जाती है और इन पर हमला कर देती है।
इससे इन्हें एक बार फिर यहाँ से भागना पड़ता है। इस बार भागते भागते गोपाल एक कब्रस्तान तक पहुंच जाता है जहां चारों ओर कब्र ही कब्र मौजूद थी। इसी के बीच उसका ध्यान एक खास कब्र पे जाता है जहां उसी आदमी के बारे में लिखा था जो उन्हें अभी कुछ देर पहले मिला था। बेसिकली वो भी आज से कई साल पहले मारा जा चुका था। अब ये देख गोपाल और उसके साथी समझ चुके थे कि हो ना हो इस गांव में मौजूद सभी लोग आज से कई साल पहले मारे जा चुके हैं और उन्हें जो भी दिख रहा है वो बस आत्माएं हैं, लेकिन किसी भी आत्मा को ये नहीं पता कि वो लोग मर चुके हैं। गोपाल अब बहुत बड़े खतरे में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। क्या गोपाल और उसके साथी यहां से बचकर जा पाएंगे? इस गांव में क्यों आज भी सारी आत्माएं भटक रही हैं? क्या राज छुपा है यहां? सुनिए अगले एपिसोड में और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी।